दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो पर। तो फाइनली आज मैं आपके सामने Xiaomi Mi Note 10 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि ब्लैक कलर बॉक्स के साथ है। तो यहां देख पाओगे Mi Note 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओवरऑल इधर देखोगे तो आपको Mi Note 10 और ओरा ग्रीन कलर में है ये स्मार्टफोन। 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो जैसे ही बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा Mi Note 10 का फर्स्ट लुक, जो कि आप लोग देख पाओगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर मिलता है। तो ओवरऑल ये Mi Note 10 को हम थोड़ा साइड में रखेंगे ताकि मैं आप लोगों को बॉक्स के एक्सेसरीज को चेक करके बता सकूं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ जैसे इस लेयर को हटाएंगे तो एक और लेयर हमें देखने को मिलता है, यहाँ देख पाओगे, जो कि ठीक से अभी निकल नहीं रहा है। तो पहले हम ये बॉक्स को चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है। सिम इंजेक्टर टूल आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ आप लोगों को क्विक यूज़र गाइड देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ आप लोगों के यहाँ ट्रांसप्रिंटेड बैक केस मिलता है, जो कि पूरी तरह से जेली टाइप का एकदम बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ दिया गया है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ओवरऑल पहले लेयर में ये सारे एक्सेसरीज़ मिलते हैं, और बॉक्स के अंदर आप लोग आओगे तो यहाँ आप लोगों को चार्जिंग केबल मिलेगा, वाइट कलर में दिया गया है, और ये USB टाइप सी केबल के साथ आता है। इसके अलावा ये चार्जिंग एडाप्टर भी वाइट कलर में दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे 13 वाट का फास्ट चार्जर, तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है इसमें। और इसमें आपको बहुत बड़ी बैटरी भी मिलती है, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा एंड में बताऊंगा। इसके अलावा आपको हेडफोन ख़रीदना पड़ेगा इसमें। यही सारे एक्सेसरीज आपको बॉक्स के अंदर मिलते हैं। अब नज़र डालते हैं स्मार्टफोन की तरफ। तो ये रहा Mi Note 10, जहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट कुछ भी इसकी स्पेसिफिकेशन दिया गया है इस पॉलीथीन के रैपर पर, इस पर गार्ड पर। यहाँ आप लोगों को हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत होते होते पूरी तरह की स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दूंगा। तो ये स्मार्टफोन कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइनिंग रखा गया है दोस्तों, देख पाओगे यहाँ पूरी तरह से फ्रंट में ब्लैक दिखाई देता है, और ये अरोरा ग्रीन कलर के साथ आता है ये स्मार्टफोन। और इसमें आपको एंड्रॉयड पाई विथ MIUI 11 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, और ये पेंटा लेंस कैमरा दिया गया है दोस्तों। तो इसमें जो पेंटा लेंस कैमरा दिया गया है वो सारी स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन कैमरा डिटेल। तो इसमें जो मेन कैमरा दिया गया है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसका अपर्चर है f/1.69, और सेकेंड कैमरा है 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, इसका अपर्चर है f/2.2, और जो थर्ड कैमरा दिया गया है दोस्तों 12 मेगापिक्सल का शॉर्ट टेलीफोटो के लिए, इसका अपर्चर है f/2.0, और जो चौथा कैमरा दिया गया है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का लॉन्ग टेलीफोटो के लिए, जो कि 10 गुना हाइब्रिड जूम और 50 गुना ऑप्टिकल जूम कर सकता है, और इसका अपर्चर है f/2.0। और जो पांचवा कैमरा दिया गया है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये माइक्रो लेंस के लिए है। और इसके अलावा आपको राइट साइड में कैमरे के थोड़े राइट साइड देखोगे तो आपको डुअल सॉफ्ट लाइट LED फ्लैश देखने को मिलेगा, यहाँ आप लोग देख पाओगे। तो इस तरह से इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन रखे गए हैं, जो कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा फीचर्स देखने को मिलेगा। यानी 5 कैमरा देख दिया गया है इस स्मार्टफोन में, जिससे ये बनता है पूरी तरह से पेंटा लेंस कैमरा। तो जो थर्ड नंबर पे है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जो सबसे नीचे है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से इसके कैमरा फीचर्स दिया गया है, जो कि आप डिस्प्ले में स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ओवरऑल अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बॉडी डिज़ाइनिंग के बारे में, किस तरह से इसकी बॉडी डिज़ाइनिंग रखी गई है। तो आप लोगों को राइट साइड वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ कीज देखने को मिलेगा, ऊपर साइड IR ब्लास्टर एंड सेकेंडरी माइक, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। और अब बात करते हैं लेफ्ट साइड, तो आपको इधर कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है इधर, और नीचे की साइड आपको स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक भी आप लोगों को दिया गया है, मतलब हेडफोन का पोर्ट भी दिया गया है। और राइट साइड आपको नीचे साइड सिम ट्रे बॉक्स भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ओवरऑल बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.47 इंच की फुल HD प्लस की 3D कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और यहाँ आपको ईयरपीस भी दिया गया है। इसके अलावा आपको डॉट नॉच, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और जिसका अपर्चर है f/2.0, तो बहुत ही बढ़िया कैमरा इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको इसके साथ साथ डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है दोस्तों।
तो ओवरऑल ये पूरी ग्लासी बैक डिज़ाइनिंग के साथ आता है, तो मुझे इसका जो है कि डिस्प्ले डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 8 NM का प्रोसेसर आता है। और वहीं GPU आपको एड्रेनो का 618 वाला GPU दिया गया है, जो कि AI कंप्यूटिंग पावर पे वर्क करेगा। और 6 GB की रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ आता है ये स्मार्टफोन। और इसके साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ आप लोगों को कवर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि आप लोग कोई भी गैजेट स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से परचेस कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके और आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो कोई भी गैजेट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग परचेस कर पाओगे। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5260 mAh का नॉन रिमूवेबल वाला बैटरी मिलता है, जो कि 13 W का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस स्मार्टफोन में बहुत बढ़िया डिस्प्ले, बहुत बढ़िया प्रोसेसर, बहुत ही बढ़िया कैमरा और ज़बरदस्त बैटरी कैपेसिटी मिलता है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इसको थम्सअप है। आप लोग इसे पसंद करते हो या नहीं प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ओवरऑल ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसी तरह नए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने के लिए आप हमारे गैजेट CG यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक वीडियो देखने के लिए। तो आशा करता हूँ ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।